आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करती हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य 15 जून तक शुक्र की राशि वृषभ में रहेंगे और उसके बाद पूरे महीने मिथुन में रहेंगे। बुध ग्रह अपनी ही राशि मिथुन में रहेंगे और बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। शुक्र ग्रह 25 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। यहाँ पर शुक्र वक्री रहेंगे। सेनापति मंगल 18 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे और इसके बाद मीन राशि में आ जाएंगे। शनि और गुरु मकर राशि में रहेंगे और ये वक्री अवस्था में रहेंगे। राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में रहेंगे। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए जून 2020 का महीना कैसा रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। राशि चक्र में इसका तीसरा स्थान माना जाता है। इस राशि के व्यक्ति शारीरिक रूप से फुर्तीले, हाजिर जवाबी होते हैं। लोग इनकी भौतिक क्षमता की प्रशंसा करते हैं। इस राशि वाले धार्मिक और दया भाव रखने वाले होते हैं। अपने बहुमुखी प्रतीक के कारण दूसरों से अलग नजर आते हैं। आपके अंदर जितना क्रोध रहता है उतना ही संयम होता है। आप लक्ष्य बनाकर कार्य करना पसंद करते हैं। अपने जीवन में नए और अच्छे विचार बनाए रखते हैं। आपके अंदर कार्य के प्रति उत्साह बना रहता है। अनुशासित और नियमितता रखना पसंद करते हैं। खान पान के शौक रहते हैं। मेहनती, ईमानदार तथा सहनशील होते हैं। इस राशि के जातक लोगों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, परंतु इनका परिणाम इन्हें कमजोर ही प्राप्त होता है। इस माह आर्थिक लाभ के लिए आपको अधिक सोर्स प्राप्त होंगे। इस अवधि में आत्मविश्वास का भाव होने के कारण कार्य के बाधाओं में कमी आएगी। इसके अंतिम भाव में जोश और उत्साह से अपने कार्य को सफल करेंगे। जोखिम और साहसी कार्य को करना भी लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, स्वास्थ्य की दृष्टि से जून का महीना आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहां आपके सप्तम भाव में केतु विराजमान है और वहीं अष्टम भाव में शनि, बृहस्पति और मंगल की युति आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां खड़ी कर सकता है। तो ऐसे में किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत या फिर वृद्धि हो सकती है, जिसके प्रति आपको काफी हद तक सजग और जागरूक रहना चाहिए। हालांकि जब मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव से नवम भाव में होगा, तब तक आपको इन समस्याओं से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। लेकिन शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा और आपको शनि की ढैया का प्रभाव देता रहेगा, जिसकी वजह से किसी बड़ी बीमारी की आशंका बनी रहेगी। लेकिन फिर भी अपनी छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना बंद ना करें, क्योंकि जो आज एक छोटी समस्या है वो कल किसी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। तो ऐसा करके आप अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बना सकते हैं और बीमारियों से बचकर एक अच्छा और तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको शीघ्र रूप से ध्यान अथवा मेडिटेट करना चाहिए। और अगर आपके करियर की बात की जाए, तो करियर को लेकर किए गए प्रयासों में आपको मिलीजुली सफलता मिल सकती है, क्योंकि दशम भाव का बृहस्पति अपनी नीच राशि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। हालांकि ये नीच भंग होने के कारण अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जिस लायक हैं उस लायक आपको काम नहीं मिला है, तो आपको ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझकर चलना होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का व्यवधान आ सकता है जो आपके बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। विशेष रूप से आपका बिजनेस पार्टनर संदेह के घेरे में हो सकता है या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जो आपको उचित ना लगे। ऐसे में मिल बैठकर मामले को सुलझाने का प्रयास करें। महीने की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी। सूर्य के एकादश भाव में उच्च राशि में उपस्थिति आपको सरकारी क्षेत्र से अच्छा लाभ दिलवा सकती है। आपको जबरदस्त लाभ होने वाला है। सरकारी नौकरी वालों को प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। अपने व्यापार पर एक बार फिर से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। यदि आपने कोई टैक्स चोरी की है, तो इस दौरान आप पकड़ में आ सकते हैं और इसके लिए आपको दंडित भी किया जा सकता है। तो इसलिए आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है और अपनी मेहनत को जारी रखें। और अगर लव लाइफ की बात की जाए, तो प्रेमी जोड़ों के लिए जून का महीना कुछ खट्टे मीठे अनुभव लेकर आएगा। पंचम भाव पर पड़ रही सूर्य की दृष्टि आपके रिश्तों में कुछ तल्खियां बढ़ा सकती हैं। दूसरी ओर बुध की दृष्टि आपके बीच के संवाद और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएगी, जिससे आपकी भावनाएं एक दूसरे के प्रति प्रकट होंगी। बारहवें भाव में उपस्थित सौ राशि का शुक्र अतरंग संबंधों में मजबूती प्रदान करेगा। आपका प्रियतम भी आपके प्रति आकर्षक और लगाव महसूस करेगा, जिससे आपका प्रेम जीवन काफी बेहतर तरीके से चलेगा। हालांकि बृहस्पति, मंगल और शनि की अष्टम भाव में स्थिति आपके परिवार में कुछ परेशानियों को जन्म दे सकती है, जिसकी वजह से उनकी मानसिक स्थिति कुछ कमजोर हो सकती है और उसका असर आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, प्यार एक ऐसी भावना है जिसमें आपको अपने साथी पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और जब भी वह ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां वे खुद को मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहे हों, तो आपको उनकी हर संभव सहायता करनी चाहिए। आप उनसे बातें करके उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपकी समझ भी विकसित होगी और आपका प्रेम जीवन काफी मजबूत
मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं शादीशुदा जातकों की। तो जहां पर सप्तम भाव का केतु अलगाव की भावनाओं को जन्म दिए बैठा है और वहीं अष्टम भाव में तीन तीन ग्रहों की युति ये दिखाती है कि आपका अपने ससुराल पक्ष के लोगों को लेकर किसी बात पर झगड़ा हो सकता है। वह झगड़ा समस्या परत हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ही नरमी के साथ बातचीत करनी चाहिए और अगर कोई समस्या है तो उसे सुलझाने की शांति पूर्वक प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे ससुराल पक्ष से आपकी स्थितियां मजबूत होने लगेंगी और जो भी समस्याएं चली आ रही हैं उनका अंत होगा, लेकिन इस दौरान दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव जरूर रहेगा। हालांकि आपके बीच अतरंग संबंधों में वृद्धि होगी जिससे प्रेम की भावनाओं का पूरी तरह से ह्रास नहीं होगा तथा दाम्पत्य जीवन प्रेम पूर्वक चलता रहेगा। और अगर आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो इस महीने आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, अर्थात अचानक से आपको कुछ धन मिल सकता है, चाहे वह किसी विरासत के रूप में हो या फिर पैतृक संपत्ति के रूप में। हालांकि शुक्र की स्थिति द्वादश भाव में होने से आपके खर्च बढ़ते रहेंगे, लेकिन इन सब के बावजूद भी आपकी आमदनी काफी बेहतर होगी और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखेगी। और मंगल जब तक आपके अष्टम भाव में रहेगा तो प्रत्येक रूप से धन कमाने का कोई न कोई साधन आपको मिलता रहेगा। जैसे ही मंगल का गोचर आपके नवम भाव में होगा तो आपकी आमदनी का कोई नई जरिया आपको मिल सकता है जिससे आपकी आर्थिक चुनौतियाँ समाप्त हो जाएंगी। और इस प्रकार से देखें तो ये महीना काफी बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है, तो आप काफी हद तक अपनी आर्थिक स्थितियों को मजबूत बनाए रखेंगे और सफल भी होंगे। तो चलिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तो परिवार जीवन को देखने से पता चलता है कि जून का महीना काफी हद तक अच्छा रहेगा। जैसे ही मंगल का गोचर नवम भाव में होगा वहां पर बैठकर मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, जिसकी वजह से परिवार में कुछ अशांति देखने को मिल सकती है और विशेष रूप से आपकी माताजी एवं पिताजी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। दूसरे भाव पर पड़ रही तीन ग्रहों की दृष्टि के कारण कुटुंब का वातावरण भी मिश्रित फल लेकर आएगा और आपसी खींचातानी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव में वृद्धि होगी और परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति कुछ गर्म मिजाज के हो सकते हैं। हालांकि मंगल के गोचर के बाद इस स्थिति में थोड़ा सुधार अवश्य आएगा, लेकिन फिर भी समस्याएं बनी रह सकती हैं। छोटे बहन भाइयों से आपको अच्छा खासा सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा, आपके आर्थिक स्तर को ऊंचा ले जाने में मदद करेंगे। प्रथम सप्ताह के बाद बड़े बहन भाइयों का सहयोग भी आपको मिलने लगेगा, आपके कार्यों में सफलता मिलने में उनकी अहम भूमिका देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर जून का महीना आप लोगों के लिए उतार चढ़ाव के साथ आगे बढ़ेगा। तो ये था मिथुन राशि वालों के लिए जून 2020 के राशिफल के बारे में।